पटना सहित बिहार के अन्य हिस्सों में मौसम में गुरुवार को अचानक बदलाव देखने को मिला, जहां काले बादल छाए रहने के कारण दिन में ही शाम जैसा नजारा देखने को मिला। वहीं प्रदेश के उत्तरी के अलावा दक्षिणी भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। प्रदेश में पूर्वा के प्रवाह के कारण मौसम भी सुहाना बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 18 जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं अगले 48 से 72 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भागों में गरज के साथ बारिश के आसार दिख रहे हैं। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निर्देशक विवेक सिन्हा की माने तो अगले हफ्ते तक प्रदेश का मौसम कुछ इसी प्रकार बना रहेगा। बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त पूर्वा हवा का प्रभाव पूरे प्रदेश में होगा, जिसके प्रभाव से तापमान में कई विशेष वृद्धि नहीं होगी। 24 घंटों के दौरान उत्तर मध्य जिले के सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, उत्तर पूर्व जिले के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार एवं उत्तर प्रदेश जिले के पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार गुरुवार को पटना सहित अन्य जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। पूर्वा के कारण पारे में भी आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। 339.2 डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतास का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के रोहतास, नालंदा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, जमुई, बांका के तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं शेष शहरों के तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।